नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों, हरियाणा रोडवेज में चालक, परिचालक और हेल्पर के पदों पर जो भर्तियाँ आई हुई हैं उसमें लगातार आपके कमेंट आ रहे थे कि चरखी दादरी डिपो में जो है वो फार्म कब जमा किए जाएंगे, तो दोस्तों उसका शेड्यूल जारी हो चुका है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, ये जो कटिंग है ये हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, ये देख सकते हैं। कार्यालय महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन चरखी दादरी हरियाणा रोडवेज चरखी दादरी डिपो के जीएम के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, चरखी दादरी डिपो में चालक, परिचालक और हेल्पर के पदों पर भर्ती आई है। हेल्पर में मैकेनिकल हेल्पर, हेल्पर कारपेंटर, ये देख सकते हैं दोस्तों, पेंटर के, टर्नर, टायरमैन के पदों पर यह भर्ती आपकी निकाली गई है और नीचे जो योग्यता दर्शाई गई है उसके आधार पर अपने जो उम्मीदवार हैं वो अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। दोस्तों, क्या करना है, सबसे पहले तो अपने अपने हार्ड कॉपी जो है आपकी वो आपने जमा करवानी होगी पहले तो। उसके बाद आपका 5 दिन की ट्रेनिंग होगी। 5 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनाया जाएगा उसको लेकर अपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर अपने जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और दोस्तों, रजिस्ट्रेशन बाद में करवाना है क्योंकि काफ़ी कॉमेंट आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन पहले करवाना है या बाद में। अगर आपके पास पहले से अनुभव है किसी डिपार्टमेंट का तो आप पहले भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, नहीं तो इसमें क्या है कि आपको 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी चालक को भी और परिचालक को भी। और जो हेल्पर के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है उसमें जो अप्रेंटिस हैं उनके फॉर्म जमा हो रहे हैं। अप्रेंटिस के फॉर्म के आपका अनुभव प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा और अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के बाद ही आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर अपना पंजीकरण जो है वो करवा सकते हैं। और चरखी दादरी में 13/4/2022 से लेकर 19/4/2022 तक शाम 5 बजे तक आप अपने जो दस्तावेज हैं वो जमा करवा सकते हैं कार्यालय में। इसमें चालक, परिचालक को 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके लिए इसमें कोई आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। इसमें ये बता दिया गया है कि 5 दिन जो आपसे काम करवाया जाएगा उसमें किसी प्रकार की कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। और चालक हेतु 3 वर्ष से पुराने लाइसेंस धारक ही इसमें जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी, यानी कि 3 साल जो पुराना लाइसेंस है सिर्फ वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो ली जाएगी, चालक की भी ली जाएगी और परिचालक की भी ट्रेनिंग जो है ली जाएगी। क्या क्या दस्तावेज़ आपकी आवश्यकता है दोस्तों, अगर चालक के लिए है तो आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है और परिचालक को आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। और भारी वाहन यानी कि आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए और परिचालक के लिए आपका जो कंडक्टर लाइसेंस है वो होना चाहिए। और अनुभव अगर यदि आपके पास है तो, यदि आपके पास अनुभव है तो लगा देना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें सिर्फ आपका अनुभव प्रमाण पत्र ही बनाया जाएगा, इसीलिए वो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है। और इसी प्रकार से कंडक्टर के लिए भी 5 दिन की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें आपका अनुभव प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। हालांकि किसी के पास हरियाणा का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा क्योंकि हरियाणा में कभी भी रोडवेज में या किसी भी डिपार्टमेंट में कंडक्टर के पदों पर कोई भर्ती नहीं आई है आज तक। और दोस्तों, जो आई थी वो 2018 में जो हड़ताल हुई थी उस समय उनकी आई थी। और दोस्तों, ये भी कॉमेंट आ रहा है कि 2018 वालों ने ऑनलाइन करवाना है या फिर नहीं करवाना है। दोस्तों, आप तो पहले से ऑनलाइन करवा सकते हैं क्योंकि आपका तो अनुभव प्रमाण पत्र आपको मिला हुआ है, तो आप अपना कौशल रोजगार निगम पर रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। बाकी दोस्तों, 18 से 42 एज आपकी इसमें मांगी गई है। और अगर हेल्पर की बात करें तो दोस्तों, इसमें मेन बात यह है कि ITI होनी चाहिए आपके पास। और आपको क्या है कि अप्रेंटिस करना बहुत ही ज़रूरी है, अप्रेंटिस इसमें लगानी होगी और 18 से 42 इसमें एज दी गई है। बाकी कोई दिक्कत होती है तो आपको किसी प्रकार की कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।